अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल, खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के और कराची के मारूफ शख्सियत, जो कि बहुत ही छोटी उम्र है और माशाल्लाह खारे केयर का काम कर रहे हैं और इंसानियत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हसन अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। माशाल्लाह आप इतना माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, ये आपके जहन में काम करने का किस तरह आया? कोविड के टाइम पे आया था, जब मैंने अपनी उम्र के छोटे छोटे बच्चों को देखा कि वो आके मुझसे खाने की डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने वही चीज जब अपने ऊपर रख के सोची तो मेरे लिए वो तकलीफ का वक्त था। तो मैंने इस कारवां को स्टार्ट करा, अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक 4 साल हो गए और इस मुकाम को लेकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रोजाना तादाद कितनी तादाद होती है इफ्तारी? देखिए अभी तकरीबन 1500 से 1600 लोग, 2000 लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद पे आ रहे हैं। आखिरी अशरे में इंशाल्लाह 5-5500 आवाम होगी। अच्छा अच्छा, हमारे जो आपकी उम्र के लड़के हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहूँ कि जरूरी नहीं है आप इतने बड़े पैमाने का सोच के काम ही ना करें। एक बंदे के लिए भी इफ्तारी बनवा रहे हैं अपने घर के अंदर, अपने गार्ड अपने चौकीदार को भी दे देंगे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। मगर खुदारा जरूर आगे बढ़े और इस नेक काम में हमारे मुल्क के लिए आगे बढ़े। अच्छा, आप इतना माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, आपके साथ टीम इतनी माशाल्लाह टीम है, स्टार्टिंग में आपको काम करने में किस तरह दुश्वारी पैदा आई? दुश्वारी आई, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई टीम नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी टीम है, आज एक पूरे कारवां को लेकर चल रहे हैं। 50 से 60 बंदों के अफराद हैं जो मेरे साथ हैं, जो काम करते हैं। अच्छा, इसके जो आपके पास आपकी जो टीम है, इसके सिक्योरिटी का क्या खदशात होते हैं आपके ऊपर, मतलब कोई थ्रेट्स वगैरह या कोई? देखिए थ्रेट्स मुझे आई थी स्टार्टिंग के टाइम पे, बहुत ज्यादा थ्रेट्स आई थी कि इस काम को रोक दिया जाए और ये काम नहीं किया जाए, मगर जस्तुजू इतना बुलंद पे था, जोश इतना बुलंद पे था कि हमने ये काम करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम काम कर रहे हैं बगैर किसी सोचे समझे। देखिए जान आने जाने वाली चीज है, ठीक है, जब लिखी होगी तब आ जाएगी, तो उस चीज का खौफ नहीं है, हमने काम से मतलब है और हम अपना काम करते रहे। अच्छा, ये सिर्फ तारे का इंतजाम होता है या सहरी का इंतजाम भी होता है? सिर्फ इफ्तारी, सिर्फ इफ्तारी का इंतजाम। अच्छा, हमारे चैनल के हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो यही देना चाहूंगा, खुदारा इस नेक मकसद में हमारा साथ दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो माशाल्लाह आपने देखा कि जिस तरह हसन अदील हमारे साथ बात की, बहुत अच्छी लगी हमारी बात करके, तो बहुत प्यारा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे वीडियो में, खुदा हाफिज़।